Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the MCQ series of financial accounting series second. So this is the second lecture of MCQ series. See the video and clear your basic concepts for your semester 6 examination. हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग MCQs लेक्चर सेकेंड. इसके पहले मैंने एक लेसन ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, अगर आपने वो लेसन अब तक नहीं देखा तो वो लेसन देखो, सो दैट ये जो एक फ्लो में चलने वाला है इससे आपके एग्ज़ाम तक सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे. सो मैं सारे चैप्टर्स के मिक्सचर MCQs ला रहा हूँ, जिससे आपके सारे चैप्टर्स के जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारे रिवाइज हो सके. येस्टरडे आई हैव ऑल्सो अपलोडेड वन लेक्चर ऑन GST MCQ सीरीज़. तो साइड बाय साइड दोनों चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और GST. जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा हम दूसरे में जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के MCQs भी कवर करेंगे. बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, उसके साथ आपका MCQs जो है वो भी प्रैक्टिस होते रहेगा, और जो आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लेसन, सेकेंड MCQ सीरीज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट. सो ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है. डैश इज़ द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट. ऑप्शंस आर ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट एंड नन ऑफ द अबव. सो बैलेंस शीट के रिलेटेड कौन सा रेट होता है तो आपको याद रखना है. किस तरीके से याद रख सकते हैं, बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक. इसलिए इसका सही आंसर है क्लोजिंग रेट. तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लोजिंग रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश आइटम्स. ऑप्शंस आर मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, फॉरेन करेंसी, नन ऑफ द अबव. तो देखो कैश से ही आपको पता चलना चाहिए, कैश इज अ लिक्विड असेट. तो लिक्विड असेट इज रिलेटेड विद मनी, दैट इज़ वाई इसका सही आंसर बन जाएगा मॉनिटरी आइटम्स. तो कैश रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉनिटरी आइटम्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एट द बैलेंस शीट डेट इज डिस्क्लोज बाय यूजिंग द डैश. तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो है डिनोमिनेट किया है फॉरेन करेंसी के बेसिस पे, जो बैलेंस शीट डेट में डिस्क्लोज किया जाएगा यूजिंग डैश. तो आपको एक बेस बता के रखता हूँ, काफ़ी इजी है. जहाँ पे भी ऐसा वर्ड आएगा बैलेंस शीट डेट, वहाँ पे याद रखना है क्लोजिंग. सो बैलेंस शीट डेट के लिए द ऑप्शन कम्स एज क्लोजिंग. तो क्लोजिंग इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, when the merger involves liquidation of two existing companies and formation of one new company it is called as. The options are amalgamation, internal reconstruction, external reconstruction and absorption. So merger jab hi दो एग्जिस्टिंग कंपनीज को मर्ज करके एक नया कंपनी फॉर्म होता है, लिक्विडेट करके एक नया कंपनी जब फॉर्म होता है उसे क्या बोलेंगे, वेदर इट इज़ कॉल्ड एज अमालगमेशन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, एक्सटर्नल या एब्जॉर्प्शन. तो दैट इज कॉल्ड एज अमालगमेशन. अमालगमेशन का मतलब होता है, अमालगमेशन और मर्जर वैसे सेम ही है. अमालगमेशन एंड मर्जर इज वॉट, वेन टू कंपनीज इंटीग्रेट देयर बिजनेस एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी. और जब वन कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन और परचेज. ठीक है, तो इसका सही आंसर बन जाएगा अमालगमेशन. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन एग्रीड वैल्यू ऑफ नेट असेट्स इज नोन एज डैश वैल्यू ऑफ शेयर्स. इंट्रेंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू, फेयर वैल्यू या ऑल ऑफ द अबव. तो नेट असेट्स पे अगर हम वैल्यू कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा इंट्रेंसिक वैल्यू. बिकॉज इंट्रेंसिक वैल्यू में हम नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैलकुलेट करते हैं और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं. तो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज इंट्रेंसिक वैल्यू. विच असेट्स आर इग्नोर्ड वाइल प्रिपेरिंग द स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन. तो जब आप परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट बनाते हो तो कौन से असेट्स आप नहीं लेते हो. द ऑप्शन आर
फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स एंड नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर बन जाएगा फिक्टिशियस असेट्स. हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लेते हैं. प्रिलिमिनरी हो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो, दैट आर बीन इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन. क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. एनी सम ड्यू टू एन एम्प्लॉई आउट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर. सो आपको याद रखना है कि एनी सम ड्यू टू एम्प्लॉई आउट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में पढ़ के रखना. मैंने लिक्विडेशन का जो वीडियो डाला है उसमें भी मैंने डिटेल्स बताया है कि क्रेडिटर्स दो टाइप के होते हैं. वन इज़ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनदर इज़ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो. उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है. सो दिस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विल बी 220, फिर 5 या अनलिमिटेड. सो याद रखना है आपको मिनिमम नंबर कितना है LLP का. मिनिमम नंबर 2 है. और मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. तो इसका सही आंसर बन जाएगा अनलिमिटेड. तो यहाँ पूछा है मैक्सिमम. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बिकॉज यूजुअली वी आर इन अ हरी टू सॉल्व द क्वेश्चन. जैसे ही आपने लिमिटेड लाइबिलिटी देखा सम स्टूडेंट्स विल टिक 2, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है. मैक्सिमम का सही आंसर क्या बन जाएगा, तो इसका सही आंसर बन जाएगा अनलिमिटेड. फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. पॉइंट नंबर 9, 9th नंबर का क्वेश्चन है. डैश पार्टनर हु इज डेजिग्नेटेड एज सच इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द LLP. तो आपको याद रखना है, सिंपल चीज़ बता के रखता हूँ, ऑप्शन से कंफ्यूज मत होना. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर है उसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर. क्या बोला जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस गिवन हियर. डॉर्मेंट पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपिल, LLP पार्टनर. तो स्टूडेंट्स यह नॉर्मली कंफ्यूज हो जाएंगे और राइट आंसर टिक मार्क करके आएंगे LLP का पार्टनर. ऐसा कोई पार्टनर नहीं है. तो आपको याद रखना है कौन सा पार्टनर होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का. द अंडर राइटर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रेम्यूनरेशन ऑन. तो ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से क्वेश्चन है. द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्चुअली परचेज, फेस वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस एंड नन ऑफ द अबव. तो याद रखना है अंडर राइटर को जो क्लेम मिलता है रेम्यूनरेशन का, वो उसको मिलेगा द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स अंडर रिटर्न. जितना इशू प्राइस होगा उसी के उसके ऊपर उसका क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा. तो दीज आर दी 10 क्वेश्चन टूडे वी हैव सीन. आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करना, एंड ये फ्रेंड्स के साथ भी अपने शेयर करो. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना. एंड टिल देन, बाय बाय. वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.